लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मानसून आने के साथ झमाझम बारिश। मानसून आने के साथ झमाझम बारिश। बुधवार की शाम अचानक मौसम का मिजाज बदला, मानसून का आगाज हुआ। शाम के समय आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की क्ली खोल कर रख दी। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। नतीजतन बारिश छूटने के बाद लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। शहर के खैरा रोड स्थित SBI कार्यालय, पंच मंदिर, महिसौड़ी, महाराजगंज, साईं मंदिर रोड समेत कई जगहों पर लिंक पथ और सड़क झील में तब्दील हो गया। इस कारण लोगों को काफी कठिनाइयां हुई। लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को विवश हुए। लोगों का कहना था कि बरसात के पहले नालियों की सफाई नहीं कराई गई है, जिसके कारण ही शहर की हालत नारकीय बन गई। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंकर शाह, अध्यक्ष सुनील केशरी समेत कई लोगों ने कहा कि नब की उदासीनता के कारण ही हल्की बारिश में ही शहर नरक में तब्दील हो गया है। अगर लगातार दो घंटे तक बारिश हुई तो शहर के कई मोहल्लों में नालियों का पानी घरों में घुस जाएगा। लोगों का कहना था कि नालियों की सफाई करने में नगर परिषद पूरी तरह विफल साबित हो रही है। लक्ष्मीपुर सिंह ने संख्या अनुसार मानसून के दस्तक और मौसम के बदले मिजाज से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। बीते एक सप्ताह से भीषण गर्मी को झेल रहे क्षेत्र के लोगों को झमाझम बारिश से राहत मिली। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए क्षेत्र के किसानों के चेहरे भी खिलने लगे हैं। चूंकि किसान धान की खेती के लिए बिचड़ा बुआई की तैयारी में लगे हैं, उन्हें सिर्फ इंतजार है बारिश का, जो मानसून की आहट को वे शुभ संकेत मान रहे हैं। जानकारी हो कि लक्ष्मीपुर प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां की कृषि वर्षा आधारित है। साथ ही सिंचाई का मुख्य साधन पहाड़ी नदियों में बारिश के बाद जमा पानी ही है।